जय हिंद साथियों, सेना भर्ती लिखित परीक्षा तीसरी बार पोस्टपोन किए जाने के बाद से ये युवा काफी परेशान हैं। लेकिन इन युवाओं की समस्या को अब और ज्यादा बढ़ा दिया है इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही दो अलग अलग खबरों ने, जिसमें एक खबर में बताया जा रहा है कि सेना भर्ती लिखित परीक्षा 29 अगस्त को भी नहीं होगी, यानी जुलाई के साथ साथ 29 अगस्त को होने वाली लिखित परीक्षा को भी स्थगित करने की बातें इस वायरल खबर में की जा रही हैं। वहीं दूसरी खबर में बड़ा दावा किया जा रहा है कि सेना भर्ती पेपर लीक होने व अन्य गड़बड़ियों पर रोकथाम के लिए अब लिखित परीक्षा ऑनलाइन कराई जाएगी। ये दोनों खबरें इन दिनों सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही हैं। हम एक एक करके इन दोनों खबरों का सच आपको बताएंगे, साथ ही सेना भर्ती लिखित परीक्षा कराने को लेकर क्या चल रहा है इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे कहना चाहेंगे कि जिन साथियों ने अभी तक भी हमें ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है, तो वो सभी साथी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करके आज ही DNewsBharat को ट्विटर पर फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि वहां भी हम समय समय पर आपकी समस्याओं को लेकर आवाज उठाते रहते हैं। सेना व सेना भर्ती से जुड़ी खबरें वहां भी हम समय समय पर आपको अपडेट देते रहते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं खबर पर। देखिए साथियों, पहली वायरल खबर पर बात करें जिसमें बताया जा रहा है कि 29 अगस्त को लिखित परीक्षा नहीं होगी, तो देखिए कोई खबर या जानकारी सेना की ओर से आधिकारिक तौर पर इस संबंध में नहीं दी गई है, क्योंकि आपने ज्वाइंट इंडियन आर्मी पर जो जानकारी सेना की ओर से दी गई है वह देख ही ली होगी। उसमें सिर्फ 25 जुलाई को होने वाले एग्जाम को पोस्टपोन करने की जानकारी दी गई थी। 29 अगस्त को होने वाली परीक्षा को लेकर कोई जिक्र नहीं है। इसके अलावा किसी मीडिया को भी इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है। जहां तक बात करें इस खबर की, तो हाँ ऐसा हो सकता है कि किसी राज्य में प्राकृतिक आपदाओं व अन्य समस्याओं के चलते ऐसा हो सकता है कि परीक्षा को आगे बढ़ा दिया जाए, लेकिन यह खबर देश भर के सभी सेना भर्ती कार्यालयों के लिए नहीं है। इस खबर में सिर्फ और सिर्फ बिहार के मुजफ्फरपुर में हुई सेना भर्ती रैली के बारे में बातें कही जा रही हैं। इसलिए लिखित परीक्षा को लेकर जब तक सेना की ओर से आधिकारिक तौर पर कोई भी जानकारी नहीं दी जाती है, तब तक इस बारे में कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। अभी तक आपके लिए सिर्फ खबर यही है कि 25 जुलाई को होने वाली परीक्षा ही स्थगित हुई है, अगस्त में आपका पेपर हो सकता है। इसके अलावा बात करें दूसरी वायरल खबर की, जिसमें बताया जा रहा है कि अब लिखित परीक्षा ऑनलाइन होगी, तो देखिए साथियों, इस संबंध में लंबे समय से चर्चा की जा रही है, तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन अभी तक यह संभव नहीं हो पाया है। हाँ, भविष्य में ऐसा जरूर हो सकता है कि आर्मी एग्जाम ऑनलाइन हो, लेकिन फिलहाल इसको लेकर ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी अभी जो पेपर ऑफलाइन मोड में हो रहे हैं वह अभी ऑफलाइन ही होंगे, इसलिए आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो भी सही खबर होगी वह हम आपको समय समय पर अपडेट देते रहेंगे। देखिए साथियों, बार बार पेपर को आगे बढ़ाने से आप परेशान हैं, यह बिल्कुल सही है, लेकिन कहते हैं ना कि किसी भी चीज को पॉजिटिव वे में लेकर सोचना चाहिए। अगर पेपर आगे बढ़ गया है तो कोई नहीं, आप अपनी तैयारी और अच्छे से कर लें। हो सकता है कि आपकी तैयारी में कहीं कुछ कमी रह गई हो, तो आप उसे समय रहते और अच्छे से कर सकते हैं। बाकी एग्जाम तो आपका हर हाल में होना ही है, हाँ बस ये जरूर है कि थोड़ा सा देरी से हो रहा है, लेकिन आप परेशान बिल्कुल ना हो, बल्कि आप तो अपनी तैयारियों को और अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, फिर मुलाकात करते हैं आपसे सेना भर्ती से जुड़ी किसी नए अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।